नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग एक एलसीएम और एसएफ के आज सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि बेसिकली मैं एलसीएम और एसएफ का सवाल कर रहा है ना, तो देखते हैं कि एलसीएम और एसएफ के सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं ना। चलिए है ना, देखिए सबसे पहले मेरे पास यानी कि एसएफ है और दूसरा क्या है एलसीएम। मैंने बोला था आपके पास यानी कि ये हमारे पास महत्तम समावर्ती है और ये आपके पास यानी कि लघुत्तम समावर्ती है। एक मेरे पास क्या आपके पास यानी कि महत्तम समावर्त और एक क्या आपके पास यानी कि लघुत्तम समावर्त हिंदी में कहते हैं, ठीक है। देखिए अब होगा क्या कि कल मैंने आप लोगों से बोला था कि कभी भी अगर आपके पास यानी कि जो लघुत्तम आपके पास समावर्त या महत्तम समावर्त जो होता है वो किसी भी दो संख्या का होता है। क्या होता है आपके पास यानी कि किसी भी दो संख्या का होता है, किसी भी दो संख्या का होता है, दो संख्या का। और मैंने आप लोगों से कल बोला भी था कि मान लीजिए मेरे पास दो और तीन आपके पास यानी कि ये एक संख्या है, तो इसके अंदर मैं क्या देखता हूँ कि दोनों के दोनों कैसी संख्या है, तो ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या, और मैंने बोला था कि किसी भी अभाज्य, किसी भी दो अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा, और इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास, तो इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा आपके पास यानी कि 2 इंटू 10 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यानी कि एलसीएम हो जाएगा किसका, अभाज्य संख्या, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को ये बोला था कि कभी भी अगर आप लोग किसी अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग डिविजन फॉलो करने की, ठीक है। नाउ अगर एसएफ निकालना है तो सिंपल, इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब इनका जो सबसे बड़ा गुणनफल गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स एक होगा, क्योंकि एक से दो और तीन जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि ये तो मेरे पास एसएफ एलसीएम निकल गया, और कल मैंने आप लोग को एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया था कि कभी भी अगर हम लोग एचसीएफ को यानी कि जो एचसीएफ है अगर एचसीएफ को और एलसीएम को इंटू कर देते हैं तो वो जो दो संख्या जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है उन दोनों के गुणनफल या प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो देखिए एचसीएफ कितना आया, 1, एलसीएम कितना आया, 6, और यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया आपके पास यानी कि बराबर आ गया, जो हमारा वाम पक्ष है वो दाएं पक्ष के क्या हो गया आपके पास यानी कि बराबर हो गया। तो ये अपने आप में ये बताता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ देखिए आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण क्या है कि मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ठीक है ये तो आपके पास एक पूर्ण संख्या हो गया, क्या हो गया आपके पास यानी कि पूर्ण संख्या। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि 36 और 40 का आप लोग क्या निकालिए यानी कि एसएफ निकालिए, इसका क्या निकालना है आपके पास यानी कि एसएफ निकालना है। कल मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि ये दोनों कैसी संख्या है, तो पहली चीज क्या है आपके पास भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या, और दोनों ही भाज्य संख्या है, इसमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। और कभी भी अगर कोई भी दो भाज्य संख्या होता है तो इसमें हमें क्या ढूंढना पड़ता है कि मैं 36 को क्या लिख सकता हूं, आपको 36 को आपके पास यानी कि 2 गुना के अंदर 2 गुना के अंदर, जिस तरीके से आप चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना के अंदर 2 गुना के अंदर आपके पास यानी कि 3। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं आपके पास, इस तरीके से 36 को हम लोग किसमें तोड़ सकते हैं, तो अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास, ऑफकोर्स 2 की घात 2 गुना के अंदर आपके पास 3 की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 40 को देखता हूं तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो क्या होगा आपके पास, यानी कि सिंपल सी बात है आपके पास 2 इंटू के अंदर 2, ये होगा आपके पास यानी कि 2 इंटू के अंदर 2। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास 2, और आपके पास इसके बाद करेंगे 2 इंटू के अंदर 5, तो कितना होगा 40 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 4 4 8 8 5 40, ठीक है, 8 × 40 होता है तो ऑफकोर्स आ जाएगा है ना। तो अगर इस तीनों को देखते तो हमें इसमें क्या समझ में आता है कि 2 की घात आपके पास 3 गुना के अंदर आपके पास यानी कि 5 है। अब मुझे निकालना है कि एसएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 की घात कोई 2 नहीं है और यहाँ पे 2 की घात क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले कह सकता हूँ, तो ऑफकोर्स इन दोनों में से 2 की घात आपके पास 2 क्या ले लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, और ये आपके पास 4 जो होगा आपके पास इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो 4 है 4 से 36 चला जाता है, 4 × 36, ठीक है, 4 × 40, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का होगा ना वो क्या होगा आपके पास यानी कि 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। दूसरा अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसका एलसीएम बताइए मुझे, क्या बोलता हूँ आपके पास यानी कि एलसीएम बताइए, तो एलसीएम में करना है क्या आपके पास, यानी कि आप लोगों ने पहले इसके अंदर से 2 निकाल लिया, इसके बाद आप देखना है कि यहाँ पे क्या आपके पास यानी कि 3 की घात 2 है, गुणा के अंदर यहाँ पे 2 भी बच गया,
दो और गुना के अंदर पांचवी बची है, इन सबको गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास चलेगी कितना आ जाएगा, 8 × 9 × 5। और आप लोग को पता है कि 8 × 5 = 40 होता है, 4 × 9 = 36, यानी कि 600 आपके पास यानी कि 60 होगा, यानी कि 360 जो होगा वो आपके पास यानी कि क्या होगा आपके पास यानी कि एलसीएम होगा 36 और 40 का। और देखिए क्यों होगा, क्योंकि आप लोग ये देखते 360 ही क्यों होगा, मतलब आपके पास यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल, क्योंकि अगर कभी भी आप लोग 36 को अगर इसको गुणा करते हैं तो 10 बार में आता है, 36 दाम कितना होता है, ऑफकोर्स 360 होता है, ठीक। और अगर 40 से करते हैं आपके पास यानी कि इसको तो कितनी बार में 9, क्योंकि 9 जो क्या होता है 36 होता है ना, तो आपके पास यानी कि 9 बार में चला जाता है 360। तो कहने का मतलब जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम को ये दोनों जो संख्याएं होती है ये पूर्ण रूप से विभाजित करना चाहिए, मतलब एक ऐसा कॉमन संख्या हो दोनों के बीच में जो ये दोनों संख्या जिसका आप निकाल रहे हो वो इसको पूर्ण रूप से क्या करते हैं विभाजित कर दे। और अगर ऐसा कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं आपके पास यानी कि वो इसका क्या बन जाता है आपके पास यानी कि एचसीएफ बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, तो हमें इसको देखने की वेरीफाई करके कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो एलसीएम आपके पास और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब ये एचसीएफ कितना है तो 4 है, एलसीएम कितना है तो आपके पास यानी कि 360 है, और दोनों संख्या कितना है तो आपको 36 गुना के अंदर 40 है। तो कहने का मतलब आप गौर से देखिए, अगर ये जीरो यहाँ पे लगा देता हूँ तो 360 बन जाएगा गुना के अंदर 4, तो ऑफकोर्स वेरीफाई है, क्या है वेरीफाई है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है आपके पास यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ आपके पास यानी कि जो दूसरा मेरे पास पैटर्न होगा सवाल का, तो एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्या का बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि इनके अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। एलसीएम में गुणनफल की बात होता है, एचसीएफ के अंदर गुणनखंड की बात होती है, बस ये दोनों शब्द का अंतर आपको पता होना चाहिए कि एक में गुणनखंड निकालना है एक में गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब एक ऐसा संख्या जो दोनों से आपके पास यानी कि दोनों के पहाड़े में आ जाए, दोनों के पहाड़े में आ जाए, ठीक। और एचसीएफ के अंदर आपके पास गुणनखंड मतलब एक ऐसा संख्या जो दोनों को पूर्ण रूप से क्या कर दे विभाजित कर दे, बस यही देखना होता है। तो एक में गुणनखंड है और एक में क्या है गुणनफल है, तो गुणनफल और गुणनखंड को ही बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास यानी कि जो गुणनफल है उसको एलसीएम बोल रहे हैं, गुणनखंड है उसको एचसीएफ बोल रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाता है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपके पास कि अगर मान लीजिए मुझे एचसीएफ निकालना हो, अगर आपके पास यानी कि 3/1 और 2/2 आपके पास यानी कि 1 का, तो इस संख्या का मैं एलसीएम किस तरीके से निकालूंगा, मतलब अगर एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना हो किसका आपके पास यानी कि भिन्न का, किसका निकालना आपके पास यानी कि इस भिन्न का निकालना हो, तो भिन्न का हम लोग एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चंस नंबर, ठीक। देखिए कभी भी आप लोग भिन्न का जब एलसीएम निकालेंगे तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे, लेकिन देखिए भिन्न का अगर कभी भी एलसीएम निकालना तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आता है इन दोनों का एलसीएम, ऑफकोर्स 6 आता है, और एक एक का कितना आता है आपके पास, ऑफकोर्स 1 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो यानी कि 3/1 आपके पास यानी कि इन दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो गया आपके पास यानी कि 6/1 या 6 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप लोग 6 बोल सकते हैं, ठीक। अगर मान लो इन दोनों संख्या का मैं एचसीएफ भी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ एचसीएफ भी निकालता हूँ, तो 3 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, ऑफकोर्स 1 आएगा, और एक एक का एचसीएफ क्या आएगा, ऑफकोर्स आपके पास यानी कि 1 आएगा। वेरीफाई कर ले, देखिए कर लीजिए, है ना। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला भी पढ़ा है कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ के आपके पास गुणनफल और इसी तरीके से दोनों संख्या का गुणनफल, तो 3/1 गुना के अंदर 2/1। तो कहने का मतलब जो एलसीएम था वो कितना है आपके पास यानी कि 6/1 बराबर है 1/1 बराबर है 6/1, तो कहने का मतलब 6 = 6। तो इसका मतलब जो हमारा तरीका था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो कहने का मतलब कभी भी आप लोगों को कोई भी भिन्न देता है, क्या देता है आप लोगों को, कोई भी भिन्न देता है, तो इस भिन्न के अंदर आपके पास भिन्न क्या होगा, a/b के रूप में होगा, c/d के रूप में होगा। तो आप इसका अगर बोलता है कि एलसीएम निकालो, क्या बोलता है कि a/b का या और c/d का क्या बोल रहा है आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले किसका, a, b का, a, c का निकालेंगे और उसको ऊपर लिखेंगे, और इसी तरीके से आप लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, b, d का, और उसको क्या लिखेंगे आपके पास यानी कि नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से भिन्न का एलसीएम निकल जाएगा, ठीक। अगर इसी तरीके से जब एचसीएफ बोला जाता है आप लोग को निकालने का, तो क्या करेंगे आप लोग a/b, c/d, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे आप लोग, एचसीएफ किसका निकालेंगे, a, c का निकालेंगे,
और एसएफ दोबारा आप लोग किसका निकालेंगे, आपके पास बी कॉमा डी का निकालेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है आपके पास, यानी कि जनरल फॉर्मूला है इसके लिए, भिन्न के लिए, कि अगर भिन्न के अंदर कोई भी आप लोगों को कहता है, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो आपके पास यानी कि तीन में हो, जैसे आपके पास यानी कि मान लीजिए कि एक बट्टा दो हो गया, तीन बट्टा पांच हो गया, सात बट्टे आठ हो गया, कितना भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों को ये याद रखना कि ऊपर जितना भी है उसका अगर एलसीएम पूछ रहे हैं तो उसका ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, एक तीन सात का एलसीएम निकाल दीजिए, ऑफकोर्स अगर 21 होगा, और नीचे का भी एलसीएम निकाल दीजिए, तो नीचे में अगर एलसीएम देखेंगे तो कितना होगा, ऑफकोर्स अगर आठ पांच और आपके पास यानी कि दो है, तो हम ये देख लेते हैं आपके पास कि भाई अगर आठ है पांच और आपके पास यानी कि 40 ले सकते, क्योंकि आठ पंडे 40 होता है, पांच अट्ठे 40 होता है, दो आपके पास यानी कि 20 दूना आपके पास यानी कि 40 होता है, तो इसका क्या एलसीएम आपके पास यानी कि 40 यानी कि 21 बट्टे के अंदर 40 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का बस मेरा मतलब यह है कि एलसीएम आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, और ना तो कोई मतलब कुछ ऐसा है, दूसरी किताब में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकलेगा, लेकिन प्लीज बी श्योर कि जब आप लोगों का पेपर होता है तो उसमें चार ऑप्शंस होते हैं, और चार के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें कि आंसर ये करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि कितनी बार आप लोग ट्रिक के चक्कर में गलत मेथड पे पहुंचते हैं और उसको फिर हम लोग वेरिफिकेशन भूल जाते हैं कि वेरीफाई करके भी देखना होता है कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप लोग निकालेंगे तो इस तीन नंबर का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद इस तीन नंबर का आपके पास यानी कि एसएफ निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद इसका क्या कीजिए आपके पास यानी कि एसएफ इनटू के अंदर एलसीएम बराबर है, इन तीनों नंबर को प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 1/3 आपके पास यानी कि 3/5 इनटू के अंदर 7/8, तो ये करेंगे तो ऑफकोर्स ये करेक्ट आएगा, क्या आएगा, करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है आपके पास। तो ये हमारे पास एलसीएम और एसएफ निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और इससे भिन्न होगा, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा मोड क्या होता है कि एलसीएम एसएफ निकालने का, ये तो एक सिंपल है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि आप किस तरीके से एलसीएम और एसएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे आपके पास यानी कि अलजेब्रा से, यानी कि आपके पास यानी कि बीजगणित, तो हम लोग अलजेब्रा से भी देख सकते हैं आपके पास कि अलजेब्रा के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर आपके पास 2x प्लस के अंदर 1 होता, ठीक है आपके पास, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स प्लस के अंदर 1 इसका एक का इस संख्या का बेसिकली आपके पास यानी कि एसएफ, इसी तरीके से कोई दूसरा भी संख्या ले सकता था एक्स के टर्म्स में, तो इनका भी एलसीएम और एसएफ होता है, जो बेसिकली मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी होगा वो एलजेब्रा से ही करवाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।